हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप पांडे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अपना साइड स्ट्रीम फिल्टर के बारे में। साइड स्ट्रीम फिल्टर कौन कौन सी टाइप की इम्प्योरिटीज को रिमूव करता है, किस पर्पज़ से यूज किया जाता है उसका, कौन कौन सी टाइप की मीडिया उसमें डली होती है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होगा कि ये अपना साइड स्टीम फिल्टर जो है हमेशा ही कूलिंग टावर के साथ में ही लगता है, मतलब साइड में रहेगा, इसकी वजह से इसको साइड स्टीम फिल्टर बोलता है। ये अपना रिटर्न लाइन हेडर है फ्रेंड्स, जो कूलिंग टावर में जो भी इक्विपमेंट में जा रहा था, जैसे सपोज कीजिए अपना कंडेंसर में जा रहा है या हीट एक्सचेंजर में जा रहा है या अपने आपके रिएक्टर की जैकेट में जा रहा है, तो वहाँ से जब वाटर रिटर्न होकर आ रहा है तो ये अपना रिटर्न लाइन हेडर हो गया। यहीं से इसको टाइपिंग देकर यहाँ से वाटर इसका ले लेते हैं कुछ अमाउंट में, और बाकी अमाउंट में अपना आपका वाटर कूलिंग टावर में आपके आकर स्टोर हो जाता है। अब यहाँ ये अपना कूलिंग टावर के सम्प में कुछ इम्प्योरिटीज आकर इकट्ठा हो जाएंगी। अब वो इम्प्योरिटीज क्या होंगी फ्रेंड्स, कि वो जैसे अपना जो स्केलिंग हो गया या फॉलिंग हो गया, क्रोजन हो गया या माइक्रोबायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज हो गई, उन सब इम्प्योरिटीज यहाँ आकर ये इकट्ठा हो गई सम्प में। अब इसको अपन क्लीन करने के लिए, मतलब इस इम्प्योरिटीज को निकालने के लिए हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं इसको कूलिंग टावर का, मतलब केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं। उसके कई टाइप के अलग अलग डिफरेंट केमिकल्स आते हैं, उनसे इसको ट्रीटमेंट करते हैं। अब सपोज कीजिए कि अपने इस कूलिंग टावर में बैक्टीरिया है फ्रेंड्स, उस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम लोग केमिकल यूज करते हैं। अब वो केमिकल आया तो यहाँ पर बैक्टीरिया तो किल हो गई, मतलब बैक्टीरिया को हमने मार दिया, बट उसकी डेड बॉडी यहीं पर रहेगी, मतलब डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो इकट्ठा होकर सम्प में रहेंगे। अब फ्रेंड्स, अगर उसको हम लोग नहीं निकालेंगे तो वो जहाँ भी जाएगा, आप सपोज कीजिए जो कंडेंसर में जा रहा है, तो कंडेंसर में बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, तो वहाँ पर जाकर के ये डिपॉजिट हो जाएगा। अब ये डिपॉजिशन क्या करेगा फ्रेंड्स, कि क्रोजन बढ़ाएगा। अब क्रोजन वो बढ़ाएगा तो फ्रेंड्स, साइड साइड से डिपॉजिट जब हो जाएगा तो वहाँ से क्या है, हीट का ट्रांसफ़र प्रॉपर नहीं हो पाएगा। अब हीट ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा तो ओवरऑल जो अपने कूलिंग टावर की इफ़िशियंसी है वो डाउन हो जाएगी, मतलब जो जिस भी इक्विपमेंट में जा रहा है उसकी इफ़िशियंसी डाउन हुई, मतलब सपोज कीजिए कंडेंसर में जा रहा है तो वहाँ पर उसको हीट का एक्सचेंज नहीं होगा तो स्टीम होकर प्रॉपर कंडेंस होगी ही नहीं, तो मतलब अपना कंडेंसर की एफिशिएंसी डाउन हुई। अब कंडेंसर की एफिशिएंसी डाउन हुई तो ओवरऑल अपने कूलिंग टावर की एफिशिएंसी डाउन हुई। सो इन सब सारी चीज़ों को जो है फ्रेंड्स, इम्प्योरिटीज को जो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे, जो जैसे कि हमने अभी बताया आपको, स्केलिंग, फॉलिंग, क्रोजन हो गया, माइक्रोबायोलॉजिकल हो गया, इन सब इम्प्योरिटीज, जैसे ये चारों इम्प्योरिटीज जो बेसिक होती है, जो नॉर्मली हर एक कूलिंग टावर में होती हैं फ्रेंड्स, उनको हम लोग फेस करते हैं, तो वो सब इम्प्योरिटीज में जो सस्पेंडेड फॉर्म में रहेंगे फ्रेंड्स, जो भी इम्प्योरिटी सस्पेंडेड फॉर्म में रहेगी या फ्लोटिंग फॉर्म में रहेगी, उनको हम लोग यहाँ से साइड स्ट्रीम फिल्टर से ट्रैप कर लेते हैं, मतलब उसको साइड स्ट्रीम फिल्टर से हम लोग निकालते हैं। अब फ्रेंड्स, क्या होगा कि ये इसको साइड स्ट्रीम फिल्टर ही क्यों बोला जाता है, बिकॉज अब क्या होता है फ्रेंड्स, कि ये अपना जो रिटर्न लाइन हेडर है वहाँ से इसको हमने लिया है, मतलब ये इसका इनलेट जो है अपना साइड स्ट्रीम फिल्टर का वो रिटर्न लाइन से है, मतलब ये इसको कूलिंग टावर के जस्ट साइड में लगाते हैं और रिटर्न लाइन से इसको कनेक्ट कर देते हैं। अब फ्रेंड्स, इसकी जब भी डिजाइन करना है, अभी मान लीजिए सपोज हमें रिक्वायरमेंट हो गई साइड स्ट्रीम फिल्टर की, तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हमें कितने मीटर क्यूब का साइड स्ट्रीम फिल्टर लगाना है। अब फ्रेंड्स, क्या होगा कि जो भी जो अपना सर्कुलेशन रेट है, जैसे मान लीजिए कि 700 मीटर क्यूब का आपका टोटल वाटर सर्कुलेट हो रहा है, मतलब कूलिंग टावर वाटर जो सर्कुलेशन में जा रहा है फ्रेंड्स, उसका जो फ्लो है उसका 10%, मतलब 700 का 10% वाटर का इसकी कैपेसिटी हम रखेंगे साइड स्ट्रीम फिल्टर की। अब यहाँ पर फ्रेंड्स, क्या होगा कि इसमें से टोटल सर्कुलेशन वाटर का ओनली 10% वाटर हम साइड स्ट्रीम फिल्टर में ले लेंगे, बाकी 90% वाटर आपका ये कूलिंग टावर में रिसर्कुलेट होगा। अब फ्रेंड्स, क्या होगा कि यहाँ से इसको हम लोग पास कराएंगे अपना साइड स्ट्रीम फिल्टर से, और यहाँ पर फिर से लाकर रिटर्न यहाँ पर हम सम्प में ही डाल देंगे। अब ये वाटर ऐसे आया सम्प में आया, तो फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ से जैसे सर्कुलेशन अपना हो रहा है, रिटर्न लाइन से हम 10% वाटर यहाँ से फिर से सर्कुलेट करा रहे हैं, मतलब साइड स्ट्रीम फिल्टर के थ्रू। अब फ्रेंड्स, क्या होगा कि सस्पेंडेड पार्टिकल ट्रैप हो गए, टर्बिड पार्टिकल ट्रैप हो गए, यहाँ से जो डेड ऑर्गेनिज्म थे, मतलब जो मरी हुई बैक्टीरिया की डेड
बॉडी थी उसको भी हमने यहाँ से ट्रैप कर लिया, तो वहाँ पर ट्यूब पर जाकर साइड में कोई डिपोजिशन नहीं हो, अब वो डिपोजिशन नहीं होगा तो हीट का ट्रांसफर प्रॉपर हो जाएगा, बिकॉज अब क्या बीच में कोई मीडियम नहीं आएगा। अब अगर कोई भी पाइप हो गई, अभी जैसे ये मार्कर पेन पकड़िए फ्रेंड्स, तो मार्कर के ऊपर अगर हम एक लेयर बना दें, उसके बाद में अगर हम इसका हीट ट्रांसफर इसमें आग लगा दें, तो ऐसे साइड में पकड़ेंगे तो हम कपड़ा लगाकर इसको पकड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते। तो मतलब कपड़ा क्या हुआ फ्रेंड्स कि ये इम्प्योरिटीज है, यहाँ की इम्प्योरिटीज जाकर अब सपोज कीजिए कि कपड़े की तरफ उसको जकड़ लिया अब ये पेन को, अब फ्रेंड्स क्या होगा कि हम कपड़े के ऊपर से पेन को आराम से पकड़ सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली नहीं पकड़, डायरेक्टली पकड़ेंगे तो यहाँ का जो पेन की हीट है वो हमारे अंदर आएगी, मतलब हीट का ट्रांसफर प्रॉपर होगा, लेकिन कपड़ा लगा देंगे ट्रांसफर नहीं होगा। सेम एज आप सपोज कीजिए कि यहाँ की जब इम्प्योरिटी जाएगी अपने कंडेंसर में, तो कंडेंसर में क्या है कि उसका हीट का ट्रांसफर प्रॉपर हो जाएगा, अगर ये इम्प्योरिटीज गई तो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाएगी तो हीट का ट्रांसफर हो नहीं पाएगा प्रॉपर। तो उसके लिए हम लोग फ्रेंड्स साइड स्टीम फिल्टर का यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग आ जाते हैं साइड स्टीम फिल्टर अपना जो लगा है उसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या होती है, इसमें कौन कौन सी मीडिया डली होती है, सपोर्टिंग लेग्स है और ये अपना बॉटम मैनहोल है, ये अपना टॉप मैनहोल। अब फ्रेंड्स टॉप मैनहोल और बॉटम मैनहोल लगाते हैं बिकॉज अब क्या है कभी भी हमारे फिल्टर का मेंटेनेंस करना हो या कोई भी मीडिया जिसमें जो भी डली है उसको हमें बाहर करना हो या मीडिया को टॉप अप करना हो उसके लिए यूज में आता है फ्रेंड्स। तो ये हो गया अपना आउटलेट का हेडर है फ्रेंड्स, ये अपना आउटलेट हेडर है। आउटलेट हेडर डैट मीन्स फ्रेंड्स क्या होगा कि यहाँ से जो वाटर इनलेट हो रहा है और यहाँ से आउटलेट होकर इस हेडर के थ्रू फिर से अपने सम्प में कूलिंग वाटर कूलिंग टावर की सम्प में पानी चला जाएगा। अब फ्रेंड्स उसके ऊपर आ जाता है ये अपने एक नोजल प्लेट आ जाती है फ्रेंड्स, ये वाली ये अपनी है नोजल प्लेट और फ्रेंड्स ये अपने होते हैं नोजल। नोजल प्लेट फ्रेंड्स क्या होती है जिसके ऊपर बेसिकली पूरी मीडिया होल्ड रहती है वो अपनी नोजल प्लेट होती है, और नोजल जो लगे होते हैं फ्रेंड्स कि उसे मतलब प्लेट के अंदर टाइट होते हैं नोजल, साइड में दोनों की पिक्चर आपको दिख जाएगी आप देख लेना। उसके ऊपर आ जाते हैं अपने फ्रेंड्स पेबल्स। पेबल्स बेसिकली क्या होते हैं फ्रेंड्स कि एक पत्थर होते हैं उनकी एक स्पेसिफिक साइज हम लोग लेकर रखते हैं और वो रहती है 1.5 इंचेस टू 2 इंचेस की जो कि कॉमनली पाई जाती है, बट एज पर डिजाइन रहेगा जो भी आपकी डिजाइन के हिसाब से वो रहेगा। उसके ऊपर हम उससे छोटे पत्थर डालेंगे फ्रेंड्स कि 1 इंचेस टू 1.5 के पेबल्स ही रहेंगे बट थोड़ा छोटी साइज में। उसके ऊपर आ जाएंगे फ्रेंड्स अपने ग्रेवल्स। अब ग्रेवल्स फ्रेंड्स क्या होगा कि ये जो पत्थर है ना इनसे और थोड़ा छोटी साइज में रहेंगे, मतलब यही पत्थर रहेंगे बट और छोटी हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा 0.5 इंचेस टू 1 इंचेस के यहाँ पर पत्थर डाल देंगे। उनकी हाइट हम लोग 150, 100 और 100 रख लेंगे। तो ये अपना पूरा फ्रेंड्स क्या होगा कि ये सपोर्टिंग बेड हो जाएगा, जैसा कि हमने साइंट फिल्टर या जब मल्टीग्रेड फिल्टर की वीडियो हमने बनाया था वहाँ पर आप देखिएगा, तो वहाँ पर भी आपको प्रॉपर डिस्क्राइब होकर मिल जाएगा। अब फ्रेंड्स उसके ऊपर आ जाता है अपना कोर्स लेक्स मीडिया। अब कोर्स लेक्स मीडिया की साइज फ्रेंड्स क्या होगी 6 mm टू 8 mm की कोर्स लेक्स मीडिया। अब कोर्स लेक्स मीडिया फ्रेंड्स क्या होती है कि ये जो ग्रेवल्स होते हैं ना इनको हम लोग तोड़ करके यहाँ पर रख देंगे तो वो अपनी आ जाएगी कोर्स लेक्स मीडिया, मतलब स्पेशली दानेदार पत्थर होते हैं तो वो इस 6 mm टू 8 mm साइज के हम यहाँ पर रख देंगे तो वो अपनी हो जाएगी कोर्स लेक्स मीडिया। उसके ऊपर फ्रेंड्स क्या होगा कि फाइन सिलेक्स मीडिया आ जाएगी। फाइन सिलेक्स मीडिया की साइज फ्रेंड्स क्या होगी 4 to 6 mm रख लेंगे हम लोग, और कोर्स सिलेक्स मीडिया को और ब्रेक करेंगे उसके बाद भी ये फाइन सिलेक्स मीडिया आ जाएगी। देन उसके ऊपर फ्रेंड्स आ जाएगा अपना सिल्का सैंड। सिल्का सैंड फ्रेंड्स क्या होगा कि ये ही मेन इंपॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स कि फिल्टर का जो फिल्ट्रेशन करेगा जो वाटर का ये कूलिंग टावर की रिटर्न लाइन का जो भी वाटर आएगा उसका फिल्ट्रेशन सिल्का सैंड से बेसिकली होगा। अब चूंकि मेन फेस पर सिल्का सैंड है तो सिल्का सैंड फ्रेंड्स क्या होगा कि ये जो अपना मोरंग आती है बिल्डिंग मटेरियल्स में उसकी साइज उसको एक स्पेसिफिक साइज में हम लोग रख देंगे 2 mm टू 4 mm तक या एज पर डिजाइन रहेगा। उसकी हाइट हम लोग 500 mm रख लेंगे, 100 mm रख लेंगे और 100 mm इस हिसाब से हम लोग ऐसे एक बेड बना लेंगे। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि ये सिल्का सैंड फाइन सिलेक्स कोर्स सिलेक्स ये तीनों मिलाकर मीडिया बेड बनाते हैं और यहाँ पर आपका ये हो जाता है सपोर्टिंग बेड। तो ये अपना नोजल होता है स्प्रे नोजल, डेट मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स कि वाटर को डायरेक्टली नीचे न गिराए उसको स्प्रेड करके गिराएगा। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि अभी जैसे आपने देखा हमने फिगर जब बनाया था तो उसको नोजल को नीचे रखा था,
अब अगर वो हेडर का नोजल नीचे रहेगा फ्रेंड्स, तो क्या होगा कि डायरेक्टली मीडिया पर प्रेशर डालेगा, मतलब ऐसे ऐसे सीधे मीडिया पर प्रेशर डालेगा और मीडिया को वाइब्रेट कराएगा, मतलब जंप कराएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या होगा कि जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि ये इसके ऊपर एक लेयर बन जाएगी, फिल्ट्रेशन होते 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 एक लेयर बना देगा। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि अगर ये नीचे नोजल इसका लगेगा तो उसी लेयर में वो मिक्स होता रहेगा, मिक्स होते होते यहाँ से वही आउटलेट में चला जाएगा, मतलब फिल्ट्रेशन अपना प्रॉपर नहीं होगा। उसके लिए हम लोग हमेशा नोजल को ऊपर ही रखते हैं, मतलब हेडर से। अब फ्रेंड्स उसमें क्या होगा कि ये यहाँ से निकलेगा ऐसे ऐसे करके कि ये प्रेशर सरफेस पर मारेगा, सरफेस पर टकराने के बाद फिर नीचे आएगा, तो अपने को इसको फिल्ट्रेशन के लिए इसको अपने मीडिया को प्रॉपर रिटेंशन टाइम मिल जाएगा और अच्छे से फिल्ट्रेशन हो जाएगा। और फ्रेंड्स इसमें एक एयर वेंट दिया जाता है, एयर वेंट बिकॉज ऑफ क्या होता है फ्रेंड्स, जब भी इसका जैसे हम इसका साइड स्ट्रीम फिल्टर है इसका भी हमें बैकवॉश तो लेना ही है, बिकॉज ऑफ यहाँ पर जब एयर मीडिया की एक लेयर बन जाएगी तो यहाँ पर अभी सपोज कीजिए आपका जो एक्चुअल में होगा फिल्टर वहाँ पर ऐसे दो प्रेशर गेज लगे होते हैं। अब फ्रेंड्स ये प्रेशर गेज में प्रेशर इंक्रीज हो गया, मतलब इसकी डीपी बढ़ गई, डिफरेंशियल प्रेशर, तो हमें क्या बैकवॉश फ्रेंड्स लेना है। अच्छा शेड्यूल में भी रहता है कि हमें 8 आवर्स में या 24 आवर्स में वन टाइम इसका बैकवॉश लेना है, बट अगर आप डिफरेंशियल प्रेशर पर भी के बेस पर लेते हैं तो भी बेटर है। अब फ्रेंड्स क्या होगा कि उसमें जैसे इसकी डीपी बढ़ी तो हम बैकवॉश लेंगे, अब बैकवॉश लेंगे तो फ्रेंड्स क्या होगा कि इसका वाटर का लेवल डाउन होगा। अब ये क्लोज वेसल है, वाटर का लेवल डाउन होगा तो फ्रेंड्स चांसेस रहता है कि यहाँ पर जो एयर जनरेट हो जाएगी, मतलब इस एरिया में जो खाली एरिया आएगी वहाँ पर एयर जनरेशन का चांसेस ज़्यादा होता है, तो उसके लिए हम लोग एयर वेंट कर देते हैं, वेसल से पूरी एयर रिलीज हो जाएगी और हमारा फिल्ट्रेशन प्रॉपर नॉर्मली वर्क करता रहेगा। फ्रेंड्स ये वाटर अपना रिटर्न लाइन हेडर से आया, हेडर से आने के बाद फ्रेंड्स क्या हुआ, नोजल से स्प्रे हुआ, स्प्रे होकर पहले तो इसकी बॉडी पर फिल्टर की बॉडी पर प्रेशर डाला, उसके बाद में फिर नीचे स्लोली स्लोली ये अपना नीचे आया, मीडिया पर लोड डाला, मीडिया से अपना सिल्का सैंड हो गया, फिर फाइन सिलेक्स में आएगा, फिर कोड सिलेक्स में आएगा, फिर सपोर्टिंग बेड से होते हुए फ्रेंड्स ये यहां से होते हुए इस हेडर के थ्रू अपना फिर से कूलिंग टावर की संपिट में आकर इकट्ठा हो गया। फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि ये 90% वाटर अपना इसमें संप में आ रहा है, डायरेक्ट कूलिंग टावर में रिसर्कुलेट होकर 10% वाटर का हमने साइड स्ट्रीम फिल्टर में डाल दिया। अब साइड स्ट्रीम फिल्टर फ्रेंड्स क्या करेगा इसका कि जो भी इसके फ्लोटिंग पार्टिकल हो गया, सस्पेंडेड पार्टिकल हो गया, जो इम्प्योरिटीज़ के जो सस्पेंडेड फॉर्म हो गए या फ्लोटिंग पार्टिकल्स में जो भी उसके फॉर्म में जो हैं उनको यहाँ पर वो ट्रैप कर लेगा, उसके बाद में फिल्टर होकर पानी इसे फिर से अपना कूलिंग टावर सम्प में आ जाएगा। तो ये प्रोसेस अपना कंटिन्यू चलता रहेगा, मतलब कूलिंग वाटर कंटिन्यू जाता रहेगा जो भी प्रोसेस में जाना है, जैसे कंडेंसर में जाना हो गया या अपना रिएक्टर में जाना हो गया या इस किसी भी हीट एक्सचेंजर में जाना हो गया, तो वहाँ पर जाता रहेगा और 10% वाटर यहाँ से रिसर्कुलेट होता रहेगा। तो मतलब अल्टीमेटली फ्रेंड्स क्या होगी कि यहाँ पर जो जो भी इक्विपमेंट में अपने जैसे कंडेंसर में जो ट्यूब्स में डिपोजिशन हो रहा था फ्रेंड्स इम्प्योरिटीज़ का, मतलब जो फॉलिंग हो रही थी उसको हम लोग यहाँ से ट्रैप कर लेंगे, मतलब वो फॉलिंग नहीं होगी, मतलब आपके कंडेंसर की इफिशियंसी बढ़ेगी और इसकी भी इफिशियंसी बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ क्या सडनली अपने को फ्रिक्वेंटली ब्लो डाउन नहीं लेना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ क्या कि जो फ्लोटिंग पार्टिकल फ्रेंड्स रहेंगे मतलब टर्बिडिटी जो हम लोग मेजर करते हैं इसकी टर्बिडिटी डाउन हो जाएगी, बिकॉज ऑफ साइड स्टीम फिल्टर से निकल रहा है और इसका साइड स्टीम फिल्टर एज अ मल्टीग्रेड फिल्टर, अब मल्टीग्रेड फिल्टर या सैंड फिल्टर का काम ही होता है फ्रेंड्स की सस्पेंडेड पार्टिकल और फ्लोटिंग पार्टिकल को निकालना, अब वहाँ से उसको ट्रैप कर लेगा तो ये अपना वाटर आएगा इसमें आ जाएगा और इसकी कूलिंग टावर की भी अपनी इफिशियंसी बढ़ गई, या प्रोसेस में जो भी वाटर जहाँ पर भी वाटर जा रहा है वहाँ पर भी इफिशियंसी बढ़ गई। अल्टीमेटली ये अपने लिए साइड स्ट्रीम फिल्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कूलिंग टावर के लिए। फ्रेंड्स जैसा कि अभी आपका फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है फिल्टर का या और कोई प्रॉब्लम चल रही है, प्रेशर इंक्रीज हो गया या मीडिया का लेवल फ्लैक्चुएट कर रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा डाउन जा रहा है, मीडिया बाहर निकल रही है, तो उसके लिए हमने इसकी ट्रबल शूटिंग के लिए फ्रेंड्स एक वीडियो अलग से डाल रखी है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको साइड स्ट्रीम फिल्टर से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, थैंक यू सो मच।